शुक्र की डेफिनेशन क्या है सर? हमारे नज़दीक शुक्र की डेफिनेशन हम कुछ ऐसे करते हैं कि 10 रोटियां खा के और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, ये शुक्र है। ना सर, ये शुक्र नहीं। शुक्र की असल डेफिनेशन है कि आपने हिस्से में से किसी को हिस्सा देना। असल शुक्र है ये कि अपने हिस्से में से आप किसी को हिस्सा देना, ये शुक्र है। और इसके साथ अगर मैं जोड़ दूँ सबर के, सबर को, तो सर जिस सबर की बड़ी तलकीन है, कुरान पाक में बड़े जिक्र हुआ है सबर का, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। क्या इस्लाम हमारे लिए अमले नमूना नहीं है सर जी? कैसे फैला इस्लाम? नबूवत के बाद एक कमरे से स्टार्ट होने वाला इस्लाम आज दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब कैसे बन गया सर? उनमें सबर था सर। हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू होती है, सबर सबर सबर, थोड़ा थोड़ा करके। तो हमें वो ना शुक्री और ना सबरी बहुत ज्यादा सर। एक तो हम सबर नहीं करते, शुक्र नहीं करते। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि सबर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सर जी सबर बड़ा जरूरी है। सबर करें, अल्लाह ताला अता करेगा। सबर के साथ शुक्र करें तो फिर आपको रिजल्ट वहां वहां से आएगा जहां जहां से आपकी सोच भी नहीं होगी सर जी। करके